का जो हमारा प्यार है वो तो हमारा है ना, और हमारा प्यार अजनबी लोगों के ठप्पे या अप्रूवल का मोहताज नहीं है। पर दुनिया का ठप्पा तो प्यार को चाहिए होता है ना, तभी तो लोग इतने धूमधाम से शादी करते हैं। हाँ, और जब लोग घर आते हैं तो हम उनको शादी का एल्बम भी दिखाते हैं। पर उसी शादी की एल्बम को हम पब्लिक लाइब्रेरी में तो नहीं रखते ना। बिल्कुल ठीक कह रही है भाफे जी। जी, आपस के पल तो प्यार का खजाना होता है, खजाने को संभाल के रखा जाता है, दुनिया को नहीं दिखाया जाता। गलत है ना? क्यों गलत है? ये पर्सनल चॉइस की बात है, इसमें सही और गलत कहां से आ गया? जो लोग ऐसा करते हैं हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले? हाँ ठीक बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ डालता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं पार्टी कब जा रहा हूँ, मैं फ्लेक्स करता रहता हूँ, तो उसे क्या हो गया? हाँ, कितने छितर खा है ये भी डाल दिया कर। होता जिया, मैंने ना आज सुबह कोफ्ते की सब्जी खाई, उसके बाद मुझे गैस हो गई, फिर मैंने वैद्य की दवाई खाई, फिर दवाई खाने के बाद मुझे अस्थमा की दवाई भी खानी पड़ी, और फिर घुटने के दर्द के लिए कैप्सूल खाया मैंने। दादी क्या हो गया आपको, ये सब क्या बोल रहे हो? क्यों, सोशल मीडिया पे बाहर वाले बताते हैं तो कुछ नहीं, घर में दादी बता रही है तो क्यों बता रही है? अरे किसी को क्या पड़ी है कि तूने मूली का पराठा खाया के करेले का खाया? दादी आप मुझे एक बात समझा सकती हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक इंसान खुद के लिए सोशल मीडिया पे अपलोड करता हो चीजें, जैसे कि मैंने गौरी की फोटो सिर्फ इसलिए अपलोड की क्योंकि मैं चाहता था कि मैं गौरी को बता पाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं और मेरी जिंदगी में गौरी की क्या अहमियत है। क्योंकि एक वक्त था जब मैं गौरी को उसकी सही जगह नहीं दे पाया, तो क्या गलत है इसमें दादी? जो तूने किया वो सही है, क्योंकि जो तूने किया उसके पीछे तेरा इंटेंशन सही था, लेकिन आएगा तूने जो किया वो क्यों किया? आप क्यों किया तूने? तुम्हें बिल्लू के प्यार पे भरोसा नहीं था? ऐसी कोई बात नहीं है दादी, मुझे शफाई और उनके प्यार पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर क्यों पुत्र? अरे दिल दिया गल्ला दिल वालों से की जाती है, बाहर वालों से नहीं। दादी हम भी ओंकारा जी से यही कह रहे हैं। ओंकारा जी हम जानते हैं आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, लेकिन फिर भी हमें अच्छा नहीं लगा। पता है वो रिपोर्टर जब हमसे सवाल पूछ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे हंस रहे हम पे, मजाक उड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली, कभी कभी हम खुद ही लोगों को मौका देते हैं हम पे हंसने का, हमारा मजाक बनाने का। रूडी भवे एक मिनट। रूडी ने हमारा फोटो अपलोड किया था लेकिन अब खुद ही दिखाई नहीं रहा है हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि जरूर किसी ने कोई उल्टा सीधा कमेंट किया होगा, है ना? एक मिनट देख लेते हैं ना क्या कमेंट किया। मैंने कब कहा मेरी है तेरी है तो तू ही रख। वैसे भी बुढ़ी है, इट्स ओके। अरे और क्या लिखा है दिखाओ। हाँ मैं मर जाऊँ तो तू क्यों अपना मन खराब कर रही है? देख ले अपनी करतूत। I'm sorry, मुझे नहीं पता ये किसने लिखा। अबे I'm sorry, please रो मत। It's okay. भव्या तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? उसको बोलो ना जिससे प्यार करते हो। हरे गहरे नतु खारे को बताने की क्या जरूरत है? अखिताई दी थी चली ते मैं रह गई कली। मैंने सिर्फ लाइक्स के लिए डाला था। क्यों ले रहा था लाइक्स? क्या मिल जाता उससे? अरे कोई तगमा या कोई इनाम मिल जाता। अब ये लगा लिया, क्या मिल गया इससे? अनिका ओम, मैंने कुछ गलत कहा? ये जो सोशल मीडिया की दुनिया होती है ना, एक वर्चुअल दुनिया होती है, इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता।
क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त होते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, क्या उन्हें हम पर्सनली जानते हैं? क्या जब तुम बीमार होगी वो आएंगे तुमसे पूछने कि तुम कैसी? सिर्फ बर्थडे पे एक मैसेज भेज देंगे। हमारी दुनिया नहीं है, इसलिए स्ट्रेंजर्स के लिए अपनी असल जिंदगी को सर्कस मत बनाओ। आजकल लोग डूबते सूरज को नहीं देखते, उसकी फोटो खींचते। तुम लोग जिस लम्हे को कैद करने के लिए मरे जा रहे हो ना, वो लम्हा कैद करने के लिए नहीं होता, जीने के लिए होता। इश्कबाजी आंखों से होती, एक बार फोन से नजरें हटा के अपने साथी की आंखों में देखो तो पता चलेगा जिंदगी क्या चीज है। मेरी वजह से आपकी भी जापानी डील चली। कोई भी डील तुमसे बढ़कर नहीं आने का। I'm sorry. कुछ ठीक हो गया तो एक सेल्फी ले लूं क्या? चित्तर भी ले ले।